हेलो एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। स्वागत है आप सबका वंस अगेन ऑन दैनिक जागरण आईनेक्स डिजिटल प्लेटफॉर्म लेट्स टॉक। और आज का ये वेबिनार कनेक्टेड है कॉमन गायनोकोलॉजिकल प्रॉब्लम से एंड ढेर सारी चीजों को खुद में समेटे गायनी से जुड़े इस टॉपिक पर आज डिस्कशन के लिए हमारे पास है बहुत कुछ। सो भागते हुए समय को अपने व्यूअर्स के सवालों से खास बनाते हुए आइए सबसे पहले स्वागत करते हैं आज लेट्स टॉक के पैनल में मौजूद अपने एक्सपर्ट्स का, जिसमें शामिल हैं आगरा के आर्ट रेनबो आईवीएफ के डायरेक्टर एंड ग्लोबल रेनबो हेल्थ केयर के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर प्रोफेसर नरेंद्र मल्होत्रा, देहरादून से उत्तरांचल डेंटल एंड मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट की मेडिकल डायरेक्टर लैप्रोस्कोपिक सर्जन एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्रीति पांडे, हेलो, आगरा के ग्लोबल रेनबो हेल्थ केयर की डायरेक्टर एंड आर्ट रेनबो आईवीएफ की मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर प्रोफेसर जयदीप मल्होत्रा। डॉक्टर जयदीप मल्होत्रा जी अभी किन्हीं कारणों से हमारे साथ कनेक्ट नहीं हो पाई हैं, बट बहुत जल्दी वो हमारे साथ जुड़ेंगी। एंड डॉक्टर स्वागत है आप सबका, आप दोनों का बहुत बहुत हमारे इस वेबिनार पर। और जो हमारा आज का टॉपिक है गायनी से जुड़ा, शुरुआत करते हैं इसकी और शुरू करते हैं अपने सवालों और जवाबों को। और सबसे पहला सवाल पूछेंगे डॉक्टर प्रीति जी से। डॉक्टर साहब आज का टॉपिक है गायनी से जुड़ा, तो सबसे पहले हम उस सवाल का जवाब आपसे जानना चाहेंगे जिसको कई सारे यूजर्स ने हमारे इस प्लेटफॉर्म पर रेज करने के लिए भेजा है, और वो है कम एज में बच्चियों का पीसीओडी की प्रॉब्लम को फेस करना। शायद यही वजह है कि आज ये पीसीओडी सरीखा शब्द गायनी की डिक्शनरी में सबसे ऊपर दिखाई देने लगा है। सो इस पीसीओडी की प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करते हुए प्लीज ये भी बताएं कि क्या इससे बचने के कोई उपाय हो सकते हैं। जी देखिए, पीसीओडी में होता क्या है पहले हमें ये जानने की ज़रूरत है। पीसीओडी एक बीमारी है जिसमें कि अंडेदानी में छोटी छोटी गांठें बन जाती हैं दोनों अंडेदानियों में। हर महीने अंडा फूट के तैयार होता नहीं है। डॉक्टर प्रीति के साथ, हेलो, आई थिंक जी 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 डॉक्टर साहब क्या आप सुन पा रहे हैं? हाँ हाँ बिल्कुल, अभी आवाज आ रही है, कनेक्टिविटी इशू था, अभी सॉल्व हो गया। जी, रुचि क्या आप सुन पा रही हैं? जी डॉक्टर साहब आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर है, आप बोलिए। जी, तो इसमें ये होता है कि हर महीने पीरियड्स नहीं होते हैं, तो जी इसमें आजकल इतना ज्यादा कॉमन इसलिए हो गया है, सबसे बड़ा कारण है सेडेंटरी लाइफस्टाइल। सेडेंटरी लाइफस्टाइल का मतलब है जैसे पहले के बच्चे खेल कूद किया करते थे, साइकिलिंग किया करते थे, बाहर जाने की आउटडोर एक्टिविटीज बहुत ज्यादा होती थी, और दोस्तों के साथ खेलना, शाम को ये सब वक्त बिताते थे। बट आजकल बच्चे ज्यादातर मोबाइल, इंटरनेट, घर पे बैठना और फास्ट फूड की बहुत ज्यादा अवेलेबिलिटी बहुत इजी हो गई है। जोमैटो से ऑर्डर कर दिया, स्विगी से ऑर्डर कर दिया, इन सारे तरीके के खानों में मैदे की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, कोल्ड ड्रिंक की मात्रा बहुत इनटेक ले रहे हैं बच्चे आजकल के, चिप्स हो गया, ये सब अनहेल्दी फूड हैबिट्स हैं। इनसे होता क्या है कि हमारे शरीर में फैट की मात्रा बढ़ती है। फैट की मात्रा बढ़ती है तो उससे ईस्ट्रोजन नाम का हार्मोन, जो कि एक रेगुलेटेड अमाउंट में बॉडी सिक्रीट करती है, ब्रेन सिक्रीट करता है हर 15 दिन में, लेकिन इसमें क्या होता है वो एक्सेस में होने लगता है। जब वो बहुत ज्यादा हो जाता है, ईस्ट्रोजन हार्मोन बहुत ज्यादा हो जाता है बॉडी में, तो हमारा जो पीरियड है वो नॉर्मल तरीके से नहीं आ पाता है। इसी से रिलेटेड अंडेदानी में छोटी छोटी गांठें बनने लगती हैं और मेल हार्मोन बढ़ने लगता है शरीर में, जिसे हम एंड्रोजन कहते हैं, टेस्टोस्टेरोन बढ़ने लगता है पीसीओडी में। उसकी वजह से चेहरे पे दाने आना, चेहरे पे बाल आना, वजन बढ़ना, शरीर का हाइपर पिगमेंटेशन होना, स्किन का मतलब कि मेलानिन ज्यादा जनरेट होना, ये सब चीजें पीसीओडी से रिलेटेड होने लगती हैं। तो जैसे कि मैंने कहा कि एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, खान पान की मेनली दिक्कत, जिसमें मैदे का बहुत ज्यादा इनटेक हो रहा है, शुगर का बहुत ज्यादा इनटेक हो रहा है, और खेलकूद ना करना, एक्सरसाइज ना करना, इस वजह से बच्चों में ये कंडीशन आजकल बहुत ही कॉमनली देखी जा रही है। एवरी थर्ड पर्सन आप मिलोगे तो उनसे आपको ये जानने को मिलेगा कि इस बच्चे को इरेगुलर पीरियड्स हो रहे हैं। तो यस, पीसीओडी इसी वजह से बढ़ रहा है बच्चों में। जी डॉक्टर साहब, तो इससे बचने के क्या तरीके हो सकते हैं कि पीसीओडी की प्रॉब्लम अगर है तो उसको ठीक किया जा सके? क्या सिर्फ मेडिसिन से ही ठीक की जा सकती है या लाइफस्टाइल को चेंज करके इसको अपने आप ठीक किया जा सकता है? नहीं, जब मैंने आपको पीसीओडी के बारे में बताया तो सबसे पहले मैंने लाइफस्टाइल के बारे में ही बताया, तो जाहिर सी बात है कि लाइफस्टाइल चेंज करेंगे तो पीसीओडी
ठीक हो सकता है। सबसे पहला जो हम काउंसिल करते हैं जब कोई बच्चा आता है, माँ लेके आती है अपनी बच्ची को पीसीओडी की शिकायत के साथ, पीरियड्स रेगुलर नहीं हो रहे, तो हम उन्हें सबसे पहले यही बोलते हैं कि आप 5 से 10% भी अगर वजन घटेगा बच्ची का, अगर वो एक्सरसाइज करेगी तो ये खुद से नॉर्मल हो जाएगा, इसमें कोई भी इलाज की जरूरत नहीं है। अगर जब तक कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम इन्वॉल्व नहीं है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम का मतलब है कि उसकी शुगर बढ़ गई बच्ची की, वजन बहुत ज्यादा बढ़ गया, उसके मेल हॉर्मोन्स जो हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ गए, इंसुलिन, फास्टिंग इंसुलिन बढ़ गया, तो अगर मेटाबॉलिक सिंड्रोम इन्वॉल्व है तो फिर इलाज की जरूरत पड़ेगी, उसमें फिर हमें सारे तरीके का इलाज देना पड़ेगा। बट अगर इनिशियल स्टेज है, उसको अभी अभी पीरियड्स इरेगुलर होने शुरू है, हल्का वजन बढ़ना शुरू हुआ है, चेहरे पे दाने आने शुरू हैं, तो हम उन्हें सबसे पहले कहेंगे कि आप एक्सरसाइज करना शुरू करें, 45 मिनट कम से कम रोज एक्सरसाइज करें, 5 से 10% अपना बॉडी का वजन घटाएं, और जो खान पान की दिक्कतें हैं जैसे कि मैदे मैदा लेना बिल्कुल बंद करें, होल व्हीट होल ग्रेन चीज़ें लें जैसे कि मल्टीग्रेन हो गया, मल्टीग्रेन आटा हो गया, और शुगर की मात्रा बिल्कुल कम करें खाने में। अगर डाइट और एक्सरसाइज ये दोनों चीज़ों पे ध्यान देंगे तो पीसीओडी इनिशियल स्टेज पे विदाउट मेडिसिन भी ठीक हो सकता है। अगर इससे नहीं फायदा हो रहा है ना, हमने ये सब एडवाइस करा और उससे नहीं कुछ फायदा हो रहा है, तो हम पीरियड्स इरेगुलर है तो हॉर्मोन्स की जो मेडिसिन आती हैं उस पर जाते हैं। हॉर्मोन्स की मेडिसिन 3 से 6 महीने तक इलाज देने से पीरियड्स रेगुलर हो जाते हैं, पीसीओडी भी ठीक हो जाता है। पीसीओडी डेफिनेटली ठीक किया जा सकता है, ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि एक बार हो गया तो हमेशा ही पीसीओडी रहेगा। बट यस, लाइफ स्टाइल चेंजेस एंड डाइट, लाइक आई सेड, वो बहुत ज्यादा जरूरी है इलाज के साथ साथ। जी अब हमने हॉर्मोन्स की बात करी, हॉर्मोन्स देके हमने देखा उसके पीरियड्स रेगुलर करने की कोशिश करी। सेकेंड, अगर हमें लग रहा है कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम इन्वॉल्व है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम का मतलब है कि शुगर बढ़ रही है बच्ची की और टेस्टोस्ट्रॉन भी बढ़ रहा है, तो हमें और भी दवाइयाँ देने की जरूरत है उनको, हॉर्मोन्स के अलावा और भी दवाइयाँ जैसे कि मेटफॉर्मिन हो गया, शुगर की दवाइयाँ हो गई, ये सब भी साथ में दी जाती है, पीसीओडी ठीक हो जाता है। तो हमारे जितने भी व्यूअर्स हमको सुन रहे हैं, वो डॉक्टर प्रीति ने जो बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी दी है कि जो लाइफस्टाइल हम अपना चेंज करते जा रहे हैं, हम अपने बच्चों पर ध्यान नहीं देते, उनको जो भी कुछ खाना होता है हम उनको प्रोवाइड कराते हैं, ये नहीं ध्यान देते कि हम उनको क्या खिला रहे हैं क्या नहीं, उनकी डेली रूटीन पर हम ध्यान नहीं देते, इन्हीं वजहों से जो पीसीओडी जैसी प्रॉब्लम आज बहुत ज़्यादा बढ़ रही है बच्चियों के साथ, वो इन्हीं की देन है। तो अगर हम इन सब चीज़ों को सही करके चलते हैं, अपने बच्चों पर ध्यान देते हैं, उनके खान पान पर ध्यान देते हैं, तो जाहिर तौर पे इस तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। थैंक यू सो मच डॉक्टर प्रीति, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। एंड डॉक्टर नरेंद्र जी से पूछेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। डॉक्टर साहब, अभी हम लोग जो जिस पीसीओडी पर चर्चा कर रहे हैं, तो कम उम्र की बच्चियों की शिकायत होती है कि मेंसेस के दौरान उन्हें लोअर एब्डोमेन में या पेट में बेहिसाब दर्द को फेस करना पड़ता है, तो ये दर्द क्या किसी खास वजह से हो सकता है या ये भी लाइफस्टाइल की जो इररेगुलरिटी है इसी का एक हिस्सा है? देखिए, मेंस्ट्रुअल पेन जो होता है, मेंसेस में दर्द, ये डिसमेनोरिया कहते हैं इसको। तो नॉर्मल हर महिला को कुछ ना कुछ डिस्कम्फर्ट और पेन जरूर होगा, क्योंकि यूट्रस थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो ब्लीडिंग बाहर निकालने के लिए पेन होता है। जब ये पेन इतना अधिक हो कि आप अपना नॉर्मल घर का काम नहीं कर पाए, आपको स्कूल से छुट्टी लेनी पड़े, या काम करती हुई महिला अपना ऑफिस नहीं कर पाए या कुछ कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाए, और उसको माइग्रेन साथ साथ होने लग जाए और बैक एक और थकान होने लग जाए, तो इसको इसको सीरियसली फिर लेना चाहिए कि ये किसी वजह से हो रहा है। और कई सारी वजह हो सकती हैं, स्पाज्मोडिक डिस्मेनोरिया जिसमें यूट्रस बहुत जोर से कॉन्ट्रैक्ट करता है वो पेन होता है, और बच्चेदानी का मुंह कभी खुलता नहीं तो ब्लीडिंग अंदर रुक जाती है वो पेन होता है, एंडोमेट्रियोसिस जैसी बीमारी होती है, मेंसेस बाहर भी आता है और पेट में भी अंदर जाता है नलों के दौरान, वो एक पेन पेट का दर्द कर सकता है, हार्मोनल इम्बैलेंस कर सकता है, तो ये पेन तो डेफिनेटली ऑल महिलाओं को लाइफस्टाइल तो अपना रखना ही है। ये इस पेन का पीसीओडी से कोई मतलब नहीं है। सो पीसीओडी वुमेन में अंडा नहीं बनता है, एनोवुलेटरी होती है, तो उन लोगों को पेन ऐसा कम होगा। ये उन्हीं लोगों को पेन होता है जिनका एग्स बन रहे हो, और एग्स बन रहे हो तो वो एग जब रिलीज होता है उस टाइम बीच में पेन होना और मेंसेस के टाइम पेन होना, तो ये पेन होता है। तो ये अगर बहुत ज्यादा हो रहा हो तो हम लोग एंडोमेट्रियोसिस बीमारी समझते हैं, कुछ हल्की बहुत पेन किलर देके देख सकते हैं, फिर जांच कुछ करके पता कर सकते हैं, और अगर एंडोमेट्रियोसिस है और कुछ गांठें बन गई हैं या कुछ आंतें चिपक गई हैं अंदर, तो फिर उसका इलाज उसी हिसाब से किया जाता है, दवा देके या छोटी मोटी सर्जरी करके।
जी डॉक्टर साहब, इस तरह के जो केसेस होते हैं, जो मेंसेस में पेट में दर्द वगैरह की प्रॉब्लम होती है, इसमें आमतौर पर लोग क्या करते हैं कि इस तरह के पेन में पेन किलर ले ली, तो क्या इस तरह की पेन किलर लेना सेफ रहता है, सेफ हो सकता है? सो ड्यूरिंग मेंसेस थोड़ा बहुत पेन किलर किसी किसी को जरूरत पड़ सकती है. सो वो पेन किलर जो है ना एंटी स्पाजमोटिक देते हैं, वो नॉर्मल पेन किलर जो हाथ पैरों में दर्द और मसल पेन का होता है वो वाले नहीं, जो आपके यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन को कम करे, हल्का करे, एंटी स्पाजमोटिक पेन जैसे बरालगन की गोली, स्पाजमाइन की गोली, ऐसे जो स्पाजमोटिक पेन को कम करे वो उसकी वजह वो दवाइयां दे सकते हैं. सो वो 3 दिन या 4 दिन महीने के दौरान ले सकते हैं, 1 दिन पहले से शुरू कर सकते हैं जिनको पेन पहले से शुरू हो, और वो 2-3 दिन सुबह दोपहर शाम या सुबह शाम वो गोली खाने में कोई ऐसा नुकसान नहीं है. जी, अब क्योंकि जो हमारे व्यूवर्स हमसे जुड़े हुए हैं उनमें से कई लोगों को आमतौर पर ये वाली प्रॉब्लम होगी, क्योंकि बहुत काफी तादाद में लोग इस चीज की कंप्लेन करते हैं, तो जितने भी लोगों ने डॉक्टर नरेन की जो एडवाइस है वो सुनी है वो उस चीज को फॉलो कर सकते हैं अपनी इस प्रॉब्लम से रिलीफ पाने के लिए. थैंक यू सो मच. और अगेन एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, इन महिलाओं को रेगुलर एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक्सरसाइज इनको फिट रखती है, और फिटनेस जब अच्छी रहेगी तो आपको ये छोटे मोटे पेन सहन करने की शक्ति होती है, और ये पेन वैसे भी नहीं होता, स्पाजमोटिक पेन नहीं होता, अगर आप रेगुलर अपनी लाइफस्टाइल अच्छी रखें, खान पीन अच्छा रखें, रोज टहलने जाएं, 35 to 45 मिनट्स की एक्सरसाइज. कभी कभी लड़कियां कहती हैं कि हम एक्सरसाइज क्या करें, कमरे में बंद हैं. तो जैसा कि हम लोग सबको आजकल डांस सॉन्ग्स आ गए, तो इन लोगों को हम ये एडवाइस करते हैं, 2 अच्छे भड़कते हुए गाने लगाइए और उस पे शीशे के सामने अपने आप डांस करिए अपने आप को देखते हुए, तो आपकी एक्सरसाइज भी हो जाएगी, आपका एंटरटेनमेंट भी हो जाएगा, आपको मेंटल रिलैक्सेशन भी हो जाएगा. सो इस तरह से हम लोग इन लड़कियों को एडवाइस करते हैं. बहुत अच्छा आइडिया दिया है आपने डॉक्टर साहब, कि कम से कम डांस करके अपने मूड को भी फ्रेश किया जा सकता है और इस तरह की प्रॉब्लम से भी निजात पाया जा सकता है. बहुत अच्छा आइडिया बताया. एंड अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे डॉक्टर प्रीति जी से. डॉक्टर साहब, क्या कम उम्र में ये जो पीसीओडी की प्रॉब्लम होती है, इसमें कई डॉक्टर्स जैसे कि कहते हैं कि अभी ये पीसीओडी की प्रॉब्लम है और शादी के बाद ये ऑटोमेटिकली सही हो जाएगी, तो क्या ये चीज है, आप इस चीज से मतलब एग्री करती हैं कि ऐसा होता है कि अपने आप ये सही हो जाती है शादी के बाद? नहीं, कम उम्र में देखिए कई बार ऐसा हो सकता है कि पीरियड्स जब किसी लड़की को आना शुरू होते हैं, जैसे कि 16 साल 14 साल जब चालू हुआ पीरियड, तब पीरियड इरेगुलर है क्योंकि उसका मानसिक विकास ठीक से नहीं हुआ है, तो उस लड़की को 2 से 4 साल में मानसिक विकास जब पूरी तरीके से ठीक हो जाता है तो पीरियड्स खुद से रेगुलर हो जाते हैं, तो इसे हम पीसीओडी या किस तरह की बीमारी नहीं बोलते. ये सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि हर एक का ग्रोथ साइकिल अलग होता है, तो अगर मेंटल ग्रोथ उस लेवल पे नहीं हुई है तो 1 से 2 साल उसे पीरियड्स रेगुलर होने में लग सकते हैं, इसका पीसीओडी से कोई लेना देना नहीं है. लेकिन अगर पीसीओडी डायग्नोस हो गया है किसी लड़की को और शादी की बात कर रहे हैं या इस तरीके की बात है, तो शादी से लेना देना पीसीओडी का नहीं है. पीसीओडी अगर हो गया है तो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, जैसे कि हमने कहा मेनली हार्मोनल डिस्टरबेंस है उसमें, तो उसको पता लगा के कि क्या एग्जैक्टली प्रॉब्लम है उसे चेंज करके ही उसे ठीक किया जा सकता है, शादी का इससे कोई लेना देना नहीं है. स्ट्रेस अगर कारण है और शादी ना होना कोई स्ट्रेस का कारण है उस लेडी के लिए और शादी के बाद उसका स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है तो हो सकता है, बट इट इज नॉट रिलेटेड टू मैरिज. जी, कुल मिलाकर ये टोटली एक मिथ हो सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है. एंड आप आपने बीच में बात करी अभी कि जो पीरियड इररेगुलर होने वाली चीज है, तो ये भी कंडीशन आजकल बहुत सारे लोगों में आमतौर पर देखने को मिल रही है कि पीरियड्स इररेगुलर हो रहे हैं और उनको इस तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है. जिनके साथ इस तरह की प्रॉब्लम है उनको क्या आफ्टर मैरिज बेबी प्लान करने में किसी तरह की प्रॉब्लम आ सकती है? जी, पीरियड्स इरेगुलर है मतलब कि उनका अंडा टाइम पे नहीं बन रहा है मोस्ट प्रोबेबली. ऐसा नहीं है कि पीरियड्स इरेगुलर है तो 100% हम श्योर हैं कि वो लेडी कंसीव करने में प्रॉब्लम होगी ही होगी. कई लोग बिना किसी इलाज के भी कंसीव कर जाते हैं, लेकिन ज्यादातर ऐसा होता है कि पीरियड्स इरेगुलर है मतलब कि अंडा टाइम पे बन नहीं रहा है, मतलब उसको कंसीव करने में प्रॉब्लम होगी. और अगर इरेगुलर है तो मोस्ट कॉमन, जैसे कि हम बात करें पीसीओडी के बारे में, पीसीओडी ही सबसे मोस्ट कॉमन कारण होता है. तो उनको कंसीव करने में दिक्कत इसीलिए आती है क्योंकि हर 15 डेज में अंडा अगर फूटता है और अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स कपल करता है तभी प्रेगनेंसी होती है. अगर अंडा नहीं फूट रहा है तो अगर अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स है भी तो भी प्रेगनेंसी नहीं होगी. तो हमें उनको इलाज देना है.
इलाज किस तरीके से देना है। कुछ दवाइयाँ आती हैं जो कि अंडा मैच्योर होने में हेल्प करती हैं, उनको पीरियड के दूसरे दिन से सातवें दिन तक दिया जाता है, उससे पीरियड अंडा मैच्योर होता है और फिर 15th डे के अराउंड अंडा फूटता है और फिर हम उन्हें प्लान रिलेशन का एडवाइस देते हैं। तो इस तरीके से वो लेडी कंसीव कर सकती है। मेडिसिन अगर नहीं काम कर रही तो इंजेक्शंस के ऊपर जाते हैं और इंजेक्शंस का भी यही है, हमारा 4 से 5 दिन इंजेक्शन दे के फिर हम उन्हें 15th डे पे रिलेशन बनाने की एडवाइस देते हैं। अगर ये भी नहीं काम कर रहा है, पीसीओडी बिल्कुल ही रेजिस्टेंट हो गया है और अंडा तैयार होने की इन सब चीज़ों से नहीं हो पा रहा है, तो आईवीएफ पे जाएंगे वो पेशेंट्स। बट यस, हाँ, पीसीओडी अगर है तो कंसीव करने में प्रॉब्लम होती है और इलाज की ज़रूरत होती है। ओके डॉक्टर साहब, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे डॉक्टर नरेन जी से। डॉक्टर साहब, अब हम लोग बेबी प्लान करने की जो डिस्कशन कर रहे हैं उसको लेकर मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि हम लोग इनफर्टिलिटी जो कुल मिलाकर इसको इनफर्टिलिटी की बात करें तो महिलाओं में इनफर्टिलिटी के कई कारण हो सकते हैं, पर साइंस की माने तो कई कोई जरूरी नहीं कि सिर्फ माँ में ही किसी तरह की प्रॉब्लम हो जो वो बेबी प्लानिंग में रुकावट बन रही है। हो सकता है कि किसी कपल में पुरुष की इनफर्टिलिटी का भी कोई इसमें रोल हो। तो ऐसा है तो पुरुषों में इनफर्टिलिटी का रेशियो बढ़ने के क्या कारण हो सकते हैं? क्या उनमें इस तरह के चेंज भी उनकी मॉडर्न हुई लाइफस्टाइल का नतीजा हो सकती है? सो सबसे पहले तो हम लोग को अंडरस्टैंड करना है कि इनफर्टिलिटी का मतलब है एक साल अगर कोई कपल यंग एज का, यंग मतलब 32-34 से कम उम्र का साथ रह रहा हो और अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स रख रहा हो, फ्रीक्वेंसी ठीक हो और कोई परेशानी इंटरकोर्स में नहीं हो रही हो और एक साल साथ रहने पे अगर उनको कंसीव नहीं कर रहा हो तो उस बच्चे उस कपल को इनफर्टाइल या सब फर्टाइल कहते हैं, इनफर्टाइल भी नहीं सब फर्टाइल, कि उसकी फर्टिलिटी कम है। अब फर्टिलिटी के कारण पुरुष और महिला में बराबर है, तो 40% सिर्फ पुरुष की वजह से होगी, 40% महिला की वजह से होगी और 20% दोनों की वजह से होगी। दैट मीन्स इंटरकोर्स की प्रॉब्लम और उनकी वजह से या इन्फेक्शन की वजह से दोनों में। सो पुरुष का जांच करना बहुत सिंपल है क्योंकि पुरुष को सिर्फ शुक्राणु पैदा करने और शुक्राणु बाहर आने चाहिए टाइम पे, तो शुक्राणु की एक सिंपल सी जांच सीमन एनालिसिस की जा सकती है जो कि 5 मिनट में ये बता सकती है कि जो है ये इसका नॉर्मल है कि नहीं है, शुक्राणु ठीक अमाउंट में है, सही से चलने वाले हैं कि नहीं। सो 5 मिनट लगते हैं। महिला की जाँच के लिए अंडे की जांच, जैसा अभी आपने सुना था, ट्यूब्स और नलों की जांच, दवा डाल के एक्सरे रंगीन करना, यूट्रस की जांच जिसमें अल्ट्रासाउंड करना, कोई रसौली तो नहीं है, फाइब्रॉइड तो नहीं है, एडिनोमाइसिस तो नहीं है, एंडोमेट्रियोसिस तो नहीं है, पॉलिप तो नहीं है, अंदर झिल्ली की जाँच की झिल्ली ठीक से बढ़ रही है कि नहीं, सर्विक्स की जाँच की सर्विक्स के ऊपर सर्विसाइटिस तो नहीं है, तो 6 जगह जाँच करनी पड़ती है। तो महिला की जाँच काफी कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए हम लोग कहते हैं कि जब आपको बच्चा एक साल साथ रहने में नहीं हो रहा है तो दोनों लोग जाएं डॉक्टर सलाह के लिए और एक उसी दिन पे 5 मिनट में पुरुष को अपना सीमेन टेस्ट कराएं, महिला अपना अल्ट्रासाउंड कराएं और अपना कारण का एक ही दिन में सिंगल स्टेप इन्वेस्टिगेशन, जिससे कि उसका टाइम वेस्ट नहीं हो और पैसे वेस्ट नहीं हो, तो एक ही दिन में हम लोग बता सकते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ है और प्रॉब्लम एक में है कि दोनों में है और कितनी है और उसका निदान, या उसको लैप्रोस्कोपी की जरूरत है या अंडे बनाने की दवाई की जरूरत है या शुक्राणु बढ़ाने के लिए पुरुष को कोई दवाई की जरूरत है या कुछ है, वो उसी दिन आपको पता लग सकता है। सो प्रॉब्लम इक्वल है, दोनों को समझना जरूरी है पब्लिक को कि, और पुरुष की जांच करना सबसे सिंपल है, 5 मिनट में हो जाती है, महिला की जांच में पूरा दिन या कई दिन भी लग सकते। सो ये पुरुषों को समझना जरूरी है कि वो उतना ही रिस्पॉन्सिबल है एक बच्चा पैदा करने के जितना महिला है, तो महिलाओं को दोष नहीं ठहराना चाहिए, ज्यादातर दोषी ठहराते हैं, अरे ये तो बांझ है, ये कहां से आ गई, इस तरह की बातें और लूज टॉक कभी नहीं करनी चाहिए, बराबर का हिस्सेदारी है और सिंपल जांचें हैं और फट से आप पता लगा सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, इस तरह का अगर केस हो या इस तरह की प्रॉब्लम अगर आ रही हो तो आईवीएफ की हेल्प ली जा सकती है? सो आईवीएफ लास्ट स्टेज है, आईवीएफ ट्रीटमेंट का लास्ट स्टेज है। अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं हो रही है और दोनों लोग बिल्कुल ठीक हैं, तो आप लोगों को हल्की बहुत दवाइयां देके, मल्टीविटामिन्स और वो देके, और आपका अंडा का जांच करके अल्ट्रासाउंड से सही दिन बताया जा सकता है कि आज अंडा फूटा है और आज आप संभोग में रहें और आपको प्रेगनेंसी ठहर जाएगी। 3 महीने अगर इससे नहीं होता तो फिर अंडे बनाने की दवाई देते हैं, थोड़े अंडे एक की जगह 2-3 बनाने की कोशिश करते हैं
और जिस दिन अंडा फूटता है उस दिन कृत्रिम गर्भाधान करते हैं, हस्बैंड का सीमन लेके उसमें अच्छे वाले स्पर्म्स को वॉश करके और महिला के सर्विक्स के थ्रू यूट्रस में डाल देते हैं। सो इससे आपके चांसेस डबल हो जाते हैं। ये भी 3 या 4 बार आपका फेल होता है तब आप IVF या टेस्ट ट्यूब बेबी में आते हैं। वो थोड़ी प्रक्रिया लंबी है, थोड़ी कॉस्टली है, बट उसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। 50-60% रिजल्ट आजकल सभी अच्छे क्लिनिक दे रहे हैं। तो उसमें क्या करते हैं, अंडा बाहर निकालते हैं सुई से औरत का, इंजेक्शन लगने के बाद उसको बाहर भ्रूण बनाया जाता है। तो प्रेगनेंसी माँ के गर्भ की बजाय मशीनों में बनती है और 3 से 5 दिन मशीन में रहती है। और जब ये भ्रूण अच्छा बढ़ने लग जाता है तो उसको एक पतली सी ट्यूब लेके महिला के यूट्रस में छोड़ दी जाती है और 60% को प्रेगनेंसी हो जाएगी। सो 3 बार IVF करने से 80-90% प्रेग्नेंट हो जाएंगे। फिर भी 10% 100 में से ऐसे लोग रह जाएंगे जिनको कोई भी इलाज के बाद नहीं हुआ। सो कोई भी ये इलाज जो है ना 100% नहीं है, तो 100% गारंटी इस इलाज की कोई नहीं दे सकता। फिर आगे बच्चा अंदर कैसे बढ़ेगा आपकी बॉडी के ऊपर है, आपको अबॉर्शन होएगा, बच्चा स्वस्थ रहेगा, ये महिला की बॉडी के ऊपर होता है कैसे रहे। सो ये सब ट्रीटमेंट है। ये साइंस ने इतनी तरक्की करी है कि जो नॉर्मल नेचर है उसके साथ हम लोग लड़ रहे हैं और काफी हद तक उस पर विजय पा चुके हैं। 100% अभी भी कुछ भी नहीं है इसमें ट्रीटमेंट। जी डॉक्टर साहब, जैसा कि अभी आपने बात करी कि अबॉर्शन वाले चांसेस, तो क्या IVF में भी अबॉर्शन के चांसेस हो सकते हैं? यस, नॉर्मल प्रेगनेंसी, फर्स्ट प्रेगनेंसी जिसको होती है, 10-20% वो बच्चा ग्रो नहीं करता है। IVF में भी 10-20% चांस है कि वो बच्चा ग्रो नहीं करे अंदर और वो अबॉर्ट कर जाए, तो ये बिल्कुल हो सकती है। जी डॉक्टर साहब, एंड डॉक्टर साहब, अगर इस केस में प्रॉब्लम पुरुष के साथ हो, हस्बैंड के साथ हो, तो क्या स्पर्म डोनेशन जैसी चीज का इस्तेमाल करना पड़ता है? फिर इस केस में फिर क्या कर सकते हैं अगर पुरुष के साथ क्या प्रॉब्लम हो सकती है? पुरुष के साथ एक प्रॉब्लम हो सकती है कि उसके स्पर्म्स बन ही नहीं रहे, तो वो एजोस्पर्मिया है या निल स्पर्म कहते हैं। सी डिस्चार्ज, सीमन डिस्चार्ज आएगा बट उसके अंदर शुक्राणु या कीटाणु नहीं होंगे, सो ये एजोस्पर्मिया है। या उसके अंदर डिस्चार्ज ही नहीं आएगा बाहर, तो वो प्रोस्टेट या सेमिनाइल वेसिकल की बीमारी हो सकती है। या उसके अंदर शुक्राणु बन रहे हैं पर वो बाहर नहीं आ रहे, नली में कहीं ब्लॉक है, सो उसके निल शुक्राणु हो सकते हैं। उसके अंदर बन रहे हो सकते हैं, बाहर नहीं आते, बहुत कम बन रहे हैं ओलिगोस्पर्मिया, या बिल्कुल नाम मात्र को बन रहे हो, या जो 60 मिलियन हम लोग कहते थे पर ml, उसकी जगह 10 या 20 मिलियन बन रहे हो। सो ये 4 या 5 थी। अगर उसके अंदर शुक्राणु बन ही नहीं रहे, कुदरती ऐसी बीमारी उसको हुई है, बचपन में मम्स हुए हैं, या उस पर प्राइवेट ऑर्गन्स पे चोट लगी है, क्रिकेट बॉल्स लगी हैं, उससे वो डैमेज हो गई है, तो उसको शुक्राणु बन ही नहीं रहे। अगर बन नहीं रहे हैं तो स्पर्म बैंक प्रक्रिया है, स्पर्म बैंक में मिलता जुलता स्पर्म, उसके हस्बैंड का ब्लड ग्रुप, हाइट, कलर, आई कलर मैच करा के, ये सरकारी तौर से अलाउड है, लीगली अलाउड है, बट ये बताना अलाउड नहीं है कि किसका शुक्राणु है। सो वो नंबर से आते हैं स्पर्म बैंक में और वो ब्लाइंडली उसको उससे ट्रीटमेंट कराया जाता है। अगर उसमें शुक्राणु कम बन रहे हैं तो कृत्रिम गर्भाधान करेगा, अगर अंदर बन रहे हैं बाहर नहीं आ रहे तो टीसा इक्सी, उस सुई से शुक्राणु निकाल रहे थे एक दो और उसको इक्सी प्रतिध्वनि कर दें, ICSI जो IVF से एक ऊपर है, उससे उसको अपना बच्चा हो जाता है। और अगर उसको 10 मिलियन ही बन रहे हो तो टेस्ट ट्यूब बेबी IVF से हो जाता है। सो उन्हीं लोगों को बैंक से जरूरत है जिनके अंदर बन ही नहीं रहा है शुक्राणु, बाकी सबको टेस्ट ट्यूब बेबी से अपना बच्चा मिल जाएगा। जी फिलहाल इस बीच में डॉक्टर प्रीति से भी हमारी जो कनेक्टिविटी है वो ब्रेक हो गई है, बट कोई नहीं, हम लोग डॉक्टर नरेंद्र मल्होत्रा जी के साथ कैरी ऑन करेंगे, अपने सब्जेक्ट को आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर साहब, आपसे पूछना चाहेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन कि जिस तरह से कम उम्र में ही मेंसेस शुरू होने की प्रॉब्लम बढ़ी है, उसी तरह से कई केसेस में बेबी प्लानिंग के बाद एक सर्टेन एज से पहले ही महिलाओं के मेंसेस स्टॉप होने की समस्या भी बढ़ी है, जिसके साथ फिर उन्हें भी और प्रॉब्लम्स भी और कई तरह की प्रॉब्लम्स भी होने लगती हैं, जैसे वजन का बढ़ना, हेयर फॉल होना, तो ये किस तरह की सिचुएशन हो सकती है? क्या ये आगे चलकर कोई बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है क्या? सो जो महीना पहले शुरू होता है मेंसेस, कुछ लड़कियों को आजकल देखा गया है कि 7-8 साल पे, 9 साल पे, ज्यादा से ज्यादा 10 साल पे ही पीरियड मिनार के आना शुरू हो गया, तो मेच्योरिटी बढ़ गई है। अब ये मेच्योरिटी क्यों बढ़ी है? क्योंकि हमारा एनवायरमेंट है। सो जो पुराने जमाने में 14 साल पे पीरियड शुरू होता था, आज
10-11 साल पे पीरियड शुरू हो रहे हैं, तो ये बच्चे जल्दी मैच्योर हो रहे हैं। जल्दी मैच्योर इसलिए हो रहे हैं क्योंकि ये इतनी सारी चीजों को देखते हैं, इनका ब्रेन जो है बहुत सारी चीजों से प्रभावित होता है और ब्रेन के हॉर्मोन्स जल्दी बनने लग जाते हैं जो कि ओवरी को जल्दी शुरू कर देते हैं। सो अंडा जल्दी बनने लगता है, पीरियड जल्दी शुरू होता है और ये कुछ साल तक इनको पीरियड इरेगुलर रहेगा, फिर रेगुलर हो जाएगा। फिर हमारी इंडियन लेडीज में वर्ल्ड के हिसाब से मेनोपॉज थोड़ा जल्दी आता है। दुनिया में वेस्टर्न कंट्रीज में, अमेरिका यूरोप में मेनोपॉज की एज 50 के आसपास है, हमारी महिलाओं में 45 के आसपास ही मेनोपॉज सेट इन हो जाता है। सो जल्दी होता है, पर कुछ महिलाओं में मेनोपॉज जो है और जल्दी सेट हो जाता है, जिसको हम लोग प्रीमैच्योर ओवेरियन फेलियर बोलते हैं कि जो ओवरी है अंडा बनना खत्म हो गया, तो हॉर्मोन्स खत्म हो गए ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन जैसा प्रीति ने बताया था और पीरियड बंद हो गया। सो प्रीमैच्योर मेनोपॉज अगर होएगा तो उस महिला को हड्डी कमजोर होना, चिड़चिड़ापन होना, गुस्सा आना, सेक्स में मन नहीं लगना, मोटापा बढ़ना, बाल झड़ना, मेल बाल आना, चेहरे पे आना और मेटाबॉलिक सिंड्रोम जैसी बीमारियों जल्दी आएंगी। तो मेनोपॉज की बीमारियां तकलीफें जल्दी आएंगी, तो उन लोगों को फिर स्पेशल मेनोपॉज क्लिनिक में जाना चाहिए और अपनी जांच करानी चाहिए और सही तरह से हार्मोन का रिप्लेसमेंट, तो ईस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी या हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी या मेनोपॉज हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी इसको बोलते हैं, ये करते हैं तो ठीक रहते हैं। ओनली इन लोगों को क्या प्रॉब्लम होगी, जिनको मेंसेस बंद हो गया जल्दी 30 साल से पहले या 35 साल से पहले, इनको बच्चा होने में दिक्कत होगी। तो अगर इन लोगों ने लेट शादी करी है तो इनको प्रेगनेंसी के लिए इनको अंडा बैंक से लेना पड़ेगा। तो पुरुष को तो जो जीरो हो जाते हैं तब लेते हैं, औरतों का, महिलाओं का अगर पैदाइशी ओवेरियन फेलियर है या ओवेरियन फेलियर जल्दी हो गया है, प्रीमैच्योर ओवेरियन फेलियर किसी भी कारण से, ज्यादातर जेनेटिक होता है, इन्फेक्शन होता है, ऑपरेशन ओवरी में सिस्ट बन जाए, रसौलियां बन जाए, उनके ऑपरेशन की वजह से होता है, रेडियोथेरेपी कैंसर की ट्रीटमेंट से होता है, बहुत सारे कारण होते हैं, उनमें फिर अंडा बैंक से लेते हैं और आदमी के शुक्राणु से भ्रूण बना के उसी महिला में डालते हैं, तो बच्चा उसी महिला में होगा क्योंकि यूट्रस काम कर रहा है, ओवरी काम करना बंद हो गई है, हॉर्मोन से यूट्रस को तैयार करके उसी के गर्भ में हो सकता है, पर एग बैंक से एग लेना। सो ओवम डोनेशन, स्पर्म डोनेशन, जिन कपल्स में दोनों चीज ही फेल है, उसमें सीमेन नहीं है और इसमें एग नहीं है, उनमें बना बनाया भ्रूण भी लिया जा सकता है जिसको हम लोग एम्ब्रियो डोनेशन कहते हैं। तो ये सब चीजें ली, और जिनका यूट्रस ही खराब है उनको फिर सरोगेसी से, सरोगेट मदर में बच्चा किया जा सकता है, या आजकल इंडिया में यूट्रस ट्रांसप्लांट के ऑपरेशन भी होना चालू हो गए, ये बहुत बड़े ऑपरेशन है, कामयाब हो गए और दुनिया का दूसरा यूट्राइन ट्रांसप्लांट बेबी हमारे इंडिया में ही पूना से पैदा हुआ है, तो ये भी कराया जा सकता है, पर इसमें बहुत बड़े बड़े ऑपरेशन कराने पड़ते हैं। जी, इस बीच डॉक्टर प्रीति जी कनेक्ट हो चुकी हैं हमारे साथ फिर से, बट हम आएंगे डॉक्टर प्रीति जी के पास कुछ देर में। उससे पहले डॉक्टर नरेन जी से मैं इसी सवाल के बीच में कुछ पूछना चाहूंगी कि डॉक्टर साहब, अभी जैसा कि हम लोग चर्चा कर रहे थे कि जल्दी जिनके मेंसेस बंद हो जाते हैं, तो क्या कोई मेडिसिन या किसी और हेल्प से क्या मेंसेस को और एज में आगे बढ़ाया जा सकता है, क्या कोई इसका तरीका है? सो अगर मेंसेस एग खत्म होने से बंद हुए हैं तो एग्स तो भगवान ने औरतों को ओवरी में फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एग्स से पैदा होती हैं, जो कि 400 एग्स करीब 40,000 एग्स होते हैं, 400 एग्स खत्म हो जाते हैं, 400 एग्स फंक्शनल एग्स होते हैं, तो इन महिलाओं को पीरियड शुरू करने के लिए ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन या गर्भ निरोधक गोलियां दी जा सकती है और पीरियड चालू हो जाएंगे, पर अंडे नहीं बनेंगे। अंडे बनाने के लिए कुछ दवाइयां कम हो जाए तो कुछ दवाइयां हैं उनसे थोड़ा सा बढ़ सकता है, और कुछ अब ऐसी ट्रीटमेंट आ गई है, स्टेम सेल इंजेक्ट करना, PRP ओवरी में इंजेक्ट करना, पर ये सब एक्सपेरिमेंटल है, ये कॉमन ट्रीटमेंट नहीं है, इनसे अंडे कुछ दिन के लिए बढ़ाए जा सकते हैं, पर यस इनको पीरियड जब तक चाहेंगी, इवन 60 साल की लेडी जिसको 10-20 साल महीना बंद हो उसका भी पीरियड फिर से शुरू करा जा सकता है हॉर्मोन्स की दवाई देके, पर इनपे बहुत केयरफुल रहना पड़ता है क्योंकि बड़ी उम्र में अगर हॉर्मोन ज्यादा देंगे तो वो भी नुकसानदेह है। जी, थैंक यू डॉक्टर साहब। एंड डॉक्टर प्रीति से पूछेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। डॉक्टर साहब, इस बीच में हमारे कई व्यूवर्स हमसे जुड़े हैं, विशेष शुक्ला जी हमारे एक व्यूवर हमसे जुड़ रहे थे, हम पूछना चाह रहे हैं कि IVF पे अभी हम लोगों ने जो बात करी, क्या IVF प्रोसीजर के कोई साइड इफेक्ट हो सकते हैं? अच्छा, IVF एक बहुत ही सेफ प्रोसीजर है, उसका नोन साइड इफेक्ट अगर आप कहें तो एक ही साइड इफेक्ट है जिसके बारे में बात करते हैं लोग, उसे कहते हैं ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम, OHSS।
और वो भी हर लेडी में नहीं होता, पीसीओडी की लेडी में अगर स्टिमुलेशन ज्यादा दे दिया तो ऐसा हो जाता है कि उसकी अंडेदानी में अंडे बहुत ज्यादा बड़े हो जाते हैं, इतने बड़े हो जाते हैं कि पूरे पेट में पानी भर जाता है, अंडेदानी में सूजन आ जाती है, ऐसे मरीज को भर्ती करने की नौबत आ जाती है। लेकिन ये बहुत ही रेयर कॉम्प्लिकेशन है और वो भी आईवीएफ का नहीं है, ये आईवीएफ से पहले का जो प्रोसीजर है जिसमें हम अंडा बनने के लिए दवाइयां देना शुरू करते हैं। और कुछ पीसीओडी की लेडीज में ओएचएसएस होने की संभावना होती है, ओवेरियन हाइपरस्टिमुलेशन सिंड्रोम होने की संभावना होती है, इसे भी मेडिकली ट्रीट किया जा सकता है। यही है सिर्फ एक ऐसा कॉम्प्लिकेशन जो कि आईवीएफ से रिलेटेड है, इसके अलावा कोई भी ऐसा कॉम्प्लिकेशन नहीं है, कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं है जो कि आईवीएफ के दौरान मरीज को हो सकती है, कोई जानलेवा बीमारी हो सकती है या दिक्कत हो सकती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत ही सेफ प्रोसीजर है। एक रेयर कॉम्प्लिकेशन है, इसके बारे में पता होना भी जरूरी है। जी इस बीच जो हमारे एक और व्यूवर जुड़ रहे थे लेट्स नाचो करके, उनका भी सेम क्वेश्चन था एंड आई होप कि उनको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। एंड डॉक्टर प्रीति से ही पूछेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। डॉक्टर हम लोग अभी आईवीएफ पे बात कर रहे हैं, तो जो आईवीएफ का जो प्रोसीजर होता है, अगर किसी एक पेशेंट ने आईवीएफ का प्रोसीजर ले रहा है, तो उस 9 मंथ के ड्यूरेशन में किस किस तरह के प्रिकॉशंस उसको रखने चाहिए, या फिर वो नॉर्मल प्रेगनेंसी की तरह ही उसको डील किया जा सकता है? एक बार आईवीएफ से प्रेगनेंसी अचीव हो गई तो आईवीएफ के पेशेंट में फर्क और नॉर्मल पेशेंट में फर्क यही होता है कि इनमें हमें प्रोजेस्टेरोन का सपोर्ट ज्यादा देना होता है, क्योंकि पेशेंट ने इतना मेहनत से प्रेगनेंसी अचीव करी है, बहुत पैसे भी खर्च हुए हैं, तो किसी भी तरीके से वो अबॉर्ट ना हो, अबॉर्शन के उसमें रिजल्ट ना हो, इसलिए हार्मोन का सपोर्ट थ्रू आउट प्रेगनेंसी हमें 9 महीने देना होता है। मेडिसिन थोड़ी ज़्यादा होती हैं इनके आईवीएफ के पेशेंट्स की, लेकिन अगर आप बच्चे की बात करें और नॉर्मल प्रेगनेंसी में जो दवाइयाँ ली जाती हैं उसकी बात करें तो वो सेम होती है। नॉर्मल प्रेगनेंसी और आईवीएफ के बच्चे में सेम तरीके की दवाइयाँ, जैसे कि आयरन हो गया, कैल्शियम हो गया, प्रोटीन हो गया, विटामिन D3 हो गया, ये सब दोनों तरीके की प्रेगनेंसी में दी जाती हैं। जो एक्स्ट्रा चीजें हैं वो वही हैं कि हार्मोनल सपोर्ट जैसे कि प्रोजेस्टेरोन के फॉर्म में वो हमें 9 महीने तक देना, कुछ में 5 महीने देना पड़ता है, कुछ में 9 महीने तक हमें चालू करना पड़ता है, तो ये एक एक्स्ट्रा चीज है। कुछ में हमें ब्लड थिनर्स देने की जरूरत पड़ती है, चाहे वो इंजेक्टेबल के फॉर्म में हो या टैबलेट के फॉर्म में हो, तो ब्लड थिनर्स देना पड़ता है। तो ये एक्स्ट्रा मेडिसिन हैं जो आईवीएफ के पेशेंट में हमें टू बी डबली श्योर होने के लिए हमें ये हम ऐड करके चलते हैं कि किसी भी तरीके का ब्लीडिंग या अबॉर्शन में रिजल्ट ना करे वो प्रेगनेंसी। जी डॉक्टर साहब, इस बीच एक और दूसरी चीज, एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि आईवीएफ उन महिलाओं में ज्यादा कर रहे हैं जिनकी उम्र बढ़ गई है, सो लेट आती है, तो वो वाली प्रेगनेंसी जो 35 से ऊपर की महिलाओं में होती है वो थोड़ा सा रिस्की होती है, तो हाई रिस्क डायबिटीज का, ब्लड प्रेशर बढ़ने का रिस्क होता है, तो वो हम लोग को ध्यान रखना है। फिर आपने जैसे कि सुना होगा कि इंडिया में कुछ डॉक्टर्स ने 65 पे भी प्रेगनेंसी कर दी, 70 पे भी कर दी, तो ये अब हमारी लॉ है, लीगली दोनों कपल की उम्र अगर जोड़े तो वो 90 से ज्यादा हो तो उसको कोई प्रेगनेंसी कराने का, कोई ट्रीटमेंट लेने का नहीं है अलाउड एज पर आर गाइडलाइंस। और एक महिला अगर 50 से ऊपर है तो उसको आईवीएफ ट्रीटमेंट नहीं करानी चाहिए, क्योंकि उसके लाइफ को रिस्क आ सकती है। सो ये हम लोगों को सबको ध्यान में रखना चाहिए कि बच्चा गोद लीजिए, ले लीजिए, और नहीं तो इलाज सही टाइम पे और जल्दी कराइए, 50 की उम्र तक क्यों वेट कर रहे हैं आप? जी बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब, और हमारे यूजर्स को, हमारे व्यूवर्स को बहुत अच्छी जानकारी डॉक्टर नरेंद्र मल्होत्रा जी ने दी है कि 50 के अबव अगर एज है तो आप आईवीएफ को सेलेक्ट मत करिए, आप कोई और भी हेल्प ले सकते हैं, आप बेबी गोद ले सकते हैं, आप इस तरह की चीजें कर सकते हैं। तो फिलहाल जो डॉक्टर नरेन की सलाह है वो उसको मान के चले। डॉक्टर प्रीति से पूछेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। डॉक्टर साहब, इस बीच हमारे एक और व्यूवर जो रहे थे शरद अग्निहोत्री जी, पूछना चाह रहे हैं कि एक अच्छा फर्टिलिटी सेंटर चूज करने के लिए किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, हाउ टू चूज अ गुड फर्टिलिटी सेंटर? अच्छा, फर्टिलिटी सेंटर आप सक्सेस रेट्स पे ही डिपेंड करता है। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी डॉक्टर साहब, आपकी आवाज आ रही है। जी, आजकल हर ज्यादातर फर्टिलिटी सेंटर्स में सक्सेस रेट, जैसे कि सर ने बताया कि 50-60% सक्सेस रेट है, तो सक्सेस रेट के बारे में पता करें। और अगर कोई भी फर्टिलिटी सेंटर क्लेम करता है इतनी सक्सेस रेट है उनकी 60-70%, तो आप उसको चूज कर सकते हैं। और बाकी
वर्ड ऑफ माउथ होता है, जैसे कि आसपास के पेशेंट्स का एक्सपीरियंस के बारे में जानकारी लें और वहां जाके ही उनके जो प्रॉब्लम्स हैं उसको डिस्कस करें। ये पर्सनल, एक पर्सनल अप्रोच होता है कि आप डॉक्टर से मिले, आपको किस किस तरह का आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई कि नहीं, वो एक पर्सनल अप्रोच है। बाकी सक्सेस रेट, हाँ वो पता कर सकते हैं, इंटरनेट पे पता कर सकते हैं, वर्ड ऑफ माउथ से पता कर सकते हैं। जी थैंक यू सो मच। एक अच्छे फर्टिलिटी सेंटर में बहुत, क्योंकि अब सरकार की गाइडलाइंस हैं और नॉर्म्स हैं, सो गायनेकोलॉजिस्ट, आईवीएफ स्पेशलिस्ट, एम्ब्रियोलॉजिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, साइकाइट्रिस्ट, काउंसलर्स, सीमेन एनालिसिस, स्पर्म बैंक, प्रॉपर जगह, हर हर कमरा अलग अलग, ये सब डिफाइंड है। ICMR इंडियन मेडिकल काउंसिल ऑफ रिसर्च ने एक IVF सेंटर में क्या क्या चीज होनी चाहिए पूरा डिफाइन किया हुआ है, तो उस सेंटर में वो सब चीज होनी चाहिए। तो पहले देखना ये बहुत जरूरी है कि सिर्फ एक कमरे में ही तो नहीं चल रहा वो सेंटर, तो प्रॉपर रूम्स होने चाहिए, प्रॉपर इवन स्पर्म कलेक्शन रूम जहां आपको भ्रूण स्पर्म देना है पुरुष को, वो सब कुछ बाथरूम में नहीं जाके देना ऐसी। तो ये सब चीजें, छोटी छोटी चीजों का सरकार ने ध्यान रखा है और गाइडलाइंस दी है। तो आज और फिर इन सबको ICMR की वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन प्राप्त है। सो इंडिया में करीब 1000 सेंटर्स आज ICMR की वेबसाइट पे रजिस्टर्ड हैं। इनको भी पता करना जरूरी है और उसी तरह से आप जाइए, डॉक्टर से मिलिए, डॉक्टर का व्यवहार देखिए, वहां लोगों से पूछिए, ऐसे ही किसी की झांसों में नहीं आना चाहिए या फॉल्स एडवर्टाइजमेंट्स में नहीं पड़ना चाहिए। जी डॉक्टर नरेन जी से ही पूछेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन भी। डॉक्टर साहब, अगर हम लोग अभी जैसे मैटरनिटी की अभी बात कर रहे हैं, तो इस सिचुएशन में अगर किसी लेडी के फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक है तो क्या नॉर्मल कंसीविंग हो सकती है ऐसे में? सो अगर फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक है जो एक्सरे में या अल्ट्रासाउंड से पता लगा है, तो नॉर्मली कंसीव नहीं होंगे। तो सबसे पहले आप एक दूरबीन ऑपरेशन करेंगे, जो हिस्ट्रोस्कोपी और लैप्रोस्कोपी, और ट्यूब खोलने की कोशिश करेंगे। और किस वजह से ट्यूब ब्लॉक है? ट्यूब ब्लॉक ज्यादातर महिलाओं में, हिंदुस्तानी महिलाओं में टीबी की बीमारी की वजह से ब्लॉक होती है, या इन्फेक्शन की बीमारी, जो कि हम नलों में सूजन जनरल टर्म यूज करते हैं, उसकी वजह से होती है। PID कहते हैं, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज। सो अगर ट्यूब सिर्फ छोटी मोटी ब्लॉक है और आपकी दूरबीन ऑपरेशन से खुल जाती है, तो आपको नॉर्मल प्रेगनेंसी हो सकती है। अगर ट्यूब बिल्कुल जैम्ड है और बिल्कुल ब्लॉक है, तो आपको टेस्ट ट्यूब बेबी से ही बच्चा हो सकता है। ये उसके बाद फिर आपको टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, हकीम बाबाओं के पास नहीं जाना है, ट्यूब उनसे नहीं खुल सकती, इसका इलाज या तो लैप्रोस्कोपी ऑपरेशन से खोलना है, और अगर नहीं खुल सकती तो टेस्ट ट्यूब बेबी है। तो ज्यादातर महिलाएं और कपल्स बहुत साल वेस्ट कर देते हैं उल्टी सीधी दवाइयां खाने में, और उसमें महिला की उम्र बढ़ जाती है, फिर उसके अंडे भी कम मिलते हैं, तो फिर एग से बैंक भी लेना पड़ता है, ट्यूब भी नहीं है, फिर बहुत मुश्किल होती है हम लोगों को, ऐसे कपल्स को बच्चा देने के लिए। जी डॉक्टर नरेंद्र मल्होत्रा जी ने जो जानकारी दी है वो बहुत वैलिड है कि इन सब चीजों में जो सबसे पहला आपको जाना है, अपने डॉक्टर के पास जाना है, किसी नीम हकीम के पास नहीं जाना, क्योंकि उन सब चीजों में टाइम वेस्ट करके आप अपनी ही प्रॉब्लम को और ज्यादा बढ़ा लेंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं करना है, ऐसी अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको समझ में आ रही है तो अपने डॉक्टर के पास जाइए, एक्सपर्ट के पास जाइए, उनसे सजेशन लीजिए। थैंक यू सो मच। ये कोई बार 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 क्वेश्चन में पूछ रहा है कि IVF से ट्विंस होते हैं कि नहीं। सो यस, IVF में ट्विंस और ट्रिपलेट्स होने के चांस थोड़े ज्यादा है। पहले जब 10-12 साल पहले जब कोई लॉ नहीं थी, कोई गाइडलाइन नहीं थी, तो बहुत सारे सब क्लिनिक्स जो है 3-3, 4-4 भ्रूण पेट में डाल देते थे, और 3-3 बच्चे भी, ट्रिपलेट्स भी होते थे और बहुत सारे ट्विंस होते थे। अब क्लियर कट गाइडलाइंस हैं, अगर महिला की उम्र कम है और सब कुछ ठीक है, तो एक या ज्यादा से ज्यादा 2 भ्रूण डाल लें, और अगर उम्र ज्यादा है तो 2 या ज्यादा से ज्यादा 3 भ्रूण डाल लें। सो यस, ट्विंस जो नॉर्मल हमारे 1 in 8 होते हैं, उसका चांसेस डबल है होना, तो ट्विंस के चांसेस डेफिनेटली थोड़े ज्यादा हैं। और ट्रिपलेट्स और क्वाड्रिपलेट्स और 5 और 6 भी हम लोग ने देखे हैं महिलाओं के, फिर अगर ऐसे हो जाता है तो उनको एक एम्ब्रियो रिडक्शन से उनको कम भी करा जा सकता है, रिड्यूस भी करा जा सकता है, जिससे कि 2 से ज्यादा गर्भ भ्रूण में नहीं रहने चाहिए। हमारे जो ह्यूमन बीइंग है, जो हम लोग इंसान है, उनका गर्भ 1 अंडा और 1 बच्चे के लिए बना है। हम लोग का गर्भ, महिलाओं का गर्भदानी 2 बच्चों के लिए नहीं बनी है, पर 2 को सहन कर सकती है, 3 तो सहन करना बहुत मुश्किल है। सो वो भी सबको ध्यान रखना चाहिए कि मल्टीपल प्रेगनेंसी कम से कम होनी चाहिए। जी डॉक्टर साहब, आप जिस चीज पे बात कर रहे हैं वो IVF को लेकर कुछ मिथ्स में आती है कि इस तरह के मिथ्स हैं, तो
ऐसा भी कहा जाता है कि आईवीएफ में अगर नहीं भी ऐसा कहा गया है कि हमें एक ही बेबी चाहिए, लेकिन फिर भी वो ज्यादातर चांसेस होते हैं कि वो ट्विंस ही हो जाते हैं, तो क्या ऐसा क्राइटेरिया है कि अगर एक कपल को सिंगल बेबी चाहिए तो उनको सिंगल बेबी ही मिलेगा, ऐसा नहीं है कि उनको ट्विंस बेबी मिलेंगे? क्या मतलब ये मिथ में आता है या ऐसा है कि आईवीएफ से ट्विंस के ही चांसेस ज्यादा होते ही हैं? नहीं, ज्यादा होते हैं पर सबको नहीं होते, 100 में से 20 को ही ट्विंस होंगे, और अगर वो नहीं चाहते ट्विंस होना तो उसको एम्ब्रियो रिडक्शन कर सकते हैं, बट वो हम लोग एडवाइज नहीं करते। अगर 3 गर्भ ठहर गए हैं ट्रिपलेट्स, तो ट्रिपलेट्स को हम ट्विंस में रिड्यूस कर सकते हैं, या 4 गर्भ ठहर गए तो 4 को 2 में रिड्यूस कर सकते हैं, पर अगर 2 ठहर गए तो आप थैंक यू बोलिए, 2 बच्चों को लेके जाइए, एक ही बारी में आपका काम हो गया। जी, तो डॉक्टर साहब ऐसे सिचुएशन में बच्चों के साथ, मतलब जो इंटरनली बच्चों के साथ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि डिलीवरी के बाद फिर कई चीजें जब भी मल्टीपल प्रेगनेंसी, जब भी मल्टीपल प्रेगनेंसी होगी, 2 या 2 से ज्यादा होंगे, तो वो एक, जैसे मैंने बताया कि हमारा महिलाओं का जो इंसानों का गर्भ है एक एक बच्चे के लिए बना है, सो अगर दो होंगे तो डेफिनेटली वो खाना शेयर होगा, दोनों सेम वेट के नहीं होंगे, दोनों कमजोर होंगे, पेट बहुत फैलेगा, महिलाओं को थोड़ी बहुत तकलीफ होगी, थोड़ा डायबिटीज होने का डर होएगा प्रेगनेंसी में, थोड़ा ब्लड प्रेशर होने का डर होएगा, और डिलीवरी जल्दी होने का डर होएगा, तो ये सब चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा अगर ट्विंस ठहरते हैं तो। जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। डॉक्टर प्रीति जी से पूछेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। डॉक्टर साहब, अभी जैसा कि हम लोग आईवीएफ पे बात कर रहे हैं, तो इसको लेकर एक मिथ ये भी है कि आईवीएफ, जैसा कि किसी ने शादी के कुछ समय इंतजार करने के बाद आईवीएफ का प्रोसेस लिया है, उसके एक बार आईवीएफ प्रोसेस लेने के, उसके हेल्प लेने के बाद, क्या हम उसके बाद नॉर्मल प्रेगनेंसी के चांसेस होते हैं, सोच सकते हैं नॉर्मल प्रेगनेंसी के बारे में? गुड क्वेश्चन। हाँ, ऐसा हो सकता है, हो सकता है कि एक बार लेडी कंसीव कर गई है और उसके हार्मोन अभी नॉर्मल हो गए हैं, हमें नहीं पता, वो नॉर्मल, उसका स्ट्रेस लेवल बेसिकली बहुत कम हो गया, तो नेक्स्ट टाइम वो अपना नेचुरली अगर ट्राई करिए, देर आर चांसेस कि वो खुद से कंसीव कर सकती है। बट वही है कि अगर उसके पीरियड्स रेगुलर है, आईवीएफ उसका किस कारण से हुआ ये जरूरी है जानना, कि कहीं ट्यूब्स ब्लॉक थे और अभी वो आईवीएफ हो गया, नेक्स्ट टाइम वो नेचुरल ट्राई करिए तो लेस चांसेस हैं कि वो नेचुरली कंसीव कर जाएगी। बट ऐसा कोई कारण है जैसे कि पीसीओडी हो गया, या पति के शुक्राणु में कोई कमी थी, इलाज से वो ठीक हो गई, या ऐसा कोई भी कारण जो कि बार बार नहीं हो रहा है, ट्यूब्स ब्लॉक अगर एक बार हो गए किसी कारण से तो लेस लाइकली कि वो खुलेंगे बिना किसी इलाज के, तो ऐसा आईवीएफ अगर एक बार उन्होंने कराया तो उनको आगे भी आईवीएफ कराने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर ट्यूब्स नॉर्मल थे, कोई और कारण था जिसकी वजह से बच्चा नहीं हुआ था और उन्होंने आईवीएफ लिया है, तो ऐसा हो सकता है कि वो नेचुरली भी कंसीव कर सकती है। डॉक्टर साहब, इस बीच अभिषेक मिश्रा जी हमारे एक व्यूअर जो रहे थे और वो पूछना चाह रहे हैं कि आईवीएफ में क्या नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल है या सी सेक्शन की जरूरत होती है उसमें? देखिए, नॉर्मल डिलीवरी ये आईवीएफ से रिलेटेड नहीं है, इसका मोड ऑफ डिलीवरी डिसाइड होता है जब टाइम पूरा हो जाता है, डिलीवरी की डेट आ जाती है, उस टाइम पे जो डिलीवरी का रास्ता है वो कैसा है, क्या वो बच्चे के सर के हिसाब से बराबर है, कहीं हड्डी में कोई हड्डी का रास्ता कम तो नहीं है, या बच्चे का वजन ज्यादा तो नहीं है, या बच्चे की धड़कन में कोई ऊपर नीचे कमी आ रही है, तो हम सिजेरियन के बारे में सोचते हैं, अदरवाइज नॉर्मल डिलीवरी ही प्रेफर्ड होती है, या पेशेंट की खुद की रिक्वेस्ट आजकल होती है कि वो सिजेरियन कराना चाहते हैं, नॉर्मल डिलीवरी का दर्द नहीं सहन करना चाहते, तो हम सिजेरियन का डेफिनेटली एक हमारे लिए इंडिकेशन होना चाहिए, तभी हम सिजेरियन करते हैं। जी, कुल मिलाकर जैसा सिजेरियन करने की अब क्लियर कट इंडिकेशन है, एक रॉब्सन क्राइटेरिया है, उसमें कहीं भी ये नहीं लिखा कि आईवीएफ की वजह से सिजेरियन करना है, अगर वो उस क्राइटेरिया में वो महिला फिट होती है तो फिर उसका सिजेरियन होगा, अगर नहीं फिट होती है तो उसको ट्रायल डिलीवरी की दी जाएगी, अगर डिलीवरी नहीं हो रही हो या उसकी उम्र बहुत बड़ी हो या कोई ऐसी बीमारियां हो, डायबिटीज और ब्लड प्रेशर या गुर्दे की बीमारी है जो दर्द नहीं सहन कर पा रही हो, तभी आईवीएफ, तभी सिजेरियन करते हैं, अदरवाइज कोशिश यही होती है कि सबको नॉर्मल डिलीवरी मिले। जी डॉक्टर साहब, अभी कुछ देर पहले जब हम लोग डिस्कशन कर रहे थे तो आपने एक टर्म का नाम लिया था, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी। इसको लेकर एक सवाल बहुत ज्यादा रेज होता है कि जो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी है बहुत इजी है, तो ये जानना हमारे व्यूअर्स चाहेंगे कि ये सर्जरी किन किन चीजों में यूजफुल हो सकती है? सो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी इजी नहीं है, ये इसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग की जरूरत है।
लैप्रोस्कोपी सर्जरी का मतलब है दूरबीन वाले ऑपरेशन। दूरबीन वाले ऑपरेशन अब बिल्कुल हर बीमारी के लिए किए जा सकते हैं, स्पेशली महिलाओं में बच्चेदानी निकालना, रसौली निकालना, सिस्ट की ट्रेन करना, पीसीओडी के लिए छेद करना, नले खोलना, पॉलिप्स निकालना, एडिशंस को हटाना, बहुत सारे इनके इंडिकेशन है। जो ऑपरेशन पेट चीर के होते थे, आज के तारीख में दूरबीन से लेजर द्वारा और प्लाज्मा बाइपोलर द्वारा बहुत सेफली किए जा सकते हैं। इनका फायदा ये है कि मरीज को 24 से 48 घंटे ही रहना पड़ता है और जल्दी छुट्टी मिल जाती है और घर जा, पर डॉक्टर इसके लिए स्पेशल ट्रेन होना चाहिए। सो हर कोई डॉक्टर लैप्रोस्कोपी ट्रेनिंग और लेजर ट्रेनिंग करने के बाद ही उसको लैप्रोस्कोपी ऑपरेशन करने चाहिए। सो डॉक्टर की ट्रेनिंग बहुत जरूरी है, मरीज के लिए बहुत फायदेमंद है कि अगर दूरबीन से ऑपरेशन हो पाए उसका तो दूरबीन से कराना चाहिए। जी वही डॉक्टर साहब, मेरा कहने का मतलब था कि कुल मिलाकर जो पेशेंट है उसके लिए एक इजी है कि वो लैप्रोस्कोपिक सर्जरी से मतलब बहुत ज़्यादा उसको टेक्निकलिटीज नहीं उसमें आती हैं। तो ये जो सर्जरी जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये अगर किसी एक प्रॉब्लम पे किसी ने ली है लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, तो उस सर्जरी के बाद क्या कुछ खास तरह के प्रिकॉशंस होते हैं? जैसे ऑपरेशन के बाद बहुत सारी चीजें होती हैं कि अब कुछ दिन तक ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना, इस सर्जरी के बाद क्या नॉर्मली चीजें आ सकती हैं जल्द ही इन कंपैरिजन ऑफ ऑपरेशन? 24 घंटे में छुट्टी हो जाती है, कई लोगों को तो उसी दिन छुट्टी हो जाती है। सो एक तो अगर पेट काट के हो तो 5 दिन आपको हॉस्पिटल रहना पड़ता है। दर्द कम होता है क्योंकि टाका सिर्फ एक टुंडी में है और एक आधा सेंटीमीटर का साइड में, तो पेन नहीं होता। अंदर का ऑपरेशन बहुत बड़ा है पर बाहर दिखाई नहीं देता। 2 दिन में आपको ऐसा लगता है कि आपका ऑपरेशन हुआ ही नहीं है महिला के, और वो सब का चलना फिरना घर में कर सकती है। ऑब्वियसली हम उसको कहते हैं कि वजन उठाने का काम 5-6 दिन का परहेज रखें, बट 5-6 दिन में बिल्कुल फिट हो जाते हैं अगर दूरबीन से वही ऑपरेशन कराते हैं जो पेट खोल के होता, जिसमें रसौली निकालना, फाइब्रॉइड निकालना, पीसीओडी करना, ट्यूब खोलना, बच्चेदानी तक निकालना, वो भी 48 घंटे में घर चले जाते हैं। आजकल पेशाब की थैली के लिए नली नहीं डालनी पड़ती, यूरिन अपने आप करने लग जाते हैं, खाने पीना अगले दिन से अलाउ हो जाता है, किसी किसी को उसी दिन से अलाउ हो जाता है। सो बहुत बहुत फायदे हैं अगर अच्छी सी जगह, अच्छी जगह और अच्छे प्रॉपरली लैप्रोस्कोपिक सर्जरी हो। जी डॉक्टर साहब, इसके कहीं कोई साइड इफेक्ट की भी हो सकते हैं क्या? क्योंकि एक तरह से रेसेस होती हैं जो हमारे इंटरनल बॉडी में काम कर रही होती है, क्या इसके कहीं कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हो सकते? सो हर ऑपरेशन के कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट हैं। बेहोशी की दवा से साइड इफेक्ट हो सकते हैं हर ऑपरेशन में, क्योंकि हम लोग काट पीट करते हैं तो कुछ नसें कट सकती हैं या कुछ हो सकती हैं, इन्फेक्शन हो सकते हैं, खून का रिसाव ज्यादा हो सकता है। ये चाहे बड़ा ऑपरेशन पेट खोल के हो, चाहे लैप्रोस्कोपी हो, कोई रे अंदर नहीं जा रही। लैप्रोस्कोपी में एक लाइट जा रही है, दूर उस पर कैमरा लगा हुआ है, और दूसरी तरफ से औजार जा रहे हैं जो काटने पीटने के लिए औजार है। तो आप अपना हाथ पेट में नहीं डालते, औजार पेट में डालते हैं, और काटने के लिए आप या तो करंट का इस्तेमाल करते हैं, वो खुले ऑपरेशन में भी करते हैं, या लेजर का इस्तेमाल करते हैं, वो लेजर आपको आता है जिसको वही कर सकता है और सही जगह काटेगा तो कुछ भी नहीं होगा। तो कोई ऐसा विशेष साइड इफेक्ट नहीं है, सब सर्जरी के साइड इफेक्ट एक से होते हैं, वो 1,000 में से 1-2 को साइड इफेक्ट होंगे। किस 1,000 में से होंगे उसकी पहले से जांच करी जाती है अगर हाई रिस्क है या लो रिस्क है, फिर भी किसी किसी को, नॉर्मल लोगों को भी साइड इफेक्ट हो सकते हैं। सो ये सब लोगों को समझना है। सड़क पे चलने पे कोई कार मार देगी नहीं मार देगी, इसका कोई गारंटी दे सकता है? नहीं दे सकता ना। उससे कम साइड इफेक्ट है या उससे कम डेंजर है ऑपरेशन कराने में। एम्ब्रियोस को हम लोग फ्रीज कर देते हैं तो भ्रूण को ज्यादा बन जाते हैं, फ्रीज कर देते हैं, तो जो सेकंड टाइम के लिए ट्राई करने के लिए आते हैं तो उनको क्या कि ये फ्रीजिंग क्या होती है, कुछ इस पे प्रकाश डालिए। सर आजकल जो ये फ्रीजॉल टेक्निक फॉलो कर रहे हैं, बेसिकली जिस एक होती है फ्रेश साइकिल ट्रांसफर, एक होता है फ्रीजिंग साइकिल। फ्रेश साइकिल का मतलब है कि इस महीने हमने अंडा बनने की दवाइयां दी और अंडा निकाला, उससे हमने भ्रूण आर्टिफिशियल तरीके से IVF से भ्रूण बनाया और उसी साइकिल में ट्रांसफर कर दिया। 14वें-15वें दिन हमने उसको ट्रांसफर करने की कोशिश करी, लेकिन ट्रांसफर करने से पहले हमारे कुछ क्राइटेरिया हैं जो कि फुलफिल होने चाहिए, जैसे कि बच्चेदानी में एंडोमेट्रियम की थिकनेस, जो झिल्ली की थिकनेस है, वो लगभग 8 mm के लगभग होनी चाहिए, 8 से 10 mm होनी चाहिए। कोई पानी नहीं होना चाहिए, पानी का कलेक्शन नहीं होना चाहिए, वो बहुत ही एम्ब्रियो टॉक्सिक होता है। एम्ब्रियो टॉक्सिक का मतलब है कि हम भ्रूण डालेंगे भी तो भ्रूण खराब होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। तो मोस्टली फ्रीज ऑल साइकिल का इसीलिए हम फॉलो करते हैं कि किसी भी तरीके का पानी या इन्फेक्शन अगर हमें बच्चेदानी में दिख रहा है तो हम उस साइकिल को इग्नोर करके अगली साइकिल में जब सब कुछ ठीक है, बच्चेदानी में कोई पानी नहीं है, कोई इन्फेक्शन नहीं है, तब हम ट्रांसफर करें, तो वो एम्ब्रियो बच्चेदानी में चिपकने के, इम्प्लांटेशन होने के ज्यादा चांसेस हो जाते हैं।
और वही आईवीएफ का सक्सेस रेट जो 50-60% है वो फ्रीजिंग साइकिल में लगभग 70-80 तक पहुंच सकता है। तो इसलिए फ्रीजिंग साइकिल आजकल हम प्रेफर कर रहे हैं। उसमें ये भी होता है कि हॉर्मोन्स का जो हॉर्मोन्स की टैबलेट्स हैं और जो बच्चेदानी के झिल्ली की एंडोमेट्रियम जो जिसे हम कहते हैं वो सब हम खुद से मेडिसिन दे के उसे मॉनिटर कर सकते हैं। हमें कितनी थिकनेस चाहिए एंडोमेट्रियम की, हमें कब एग्जैक्टली ट्रांसफर करना है, वो हमारे कंट्रोल में आ जाता है। इसलिए फ्रीजिंग साइकिल इज अ बेटर ऑप्शन आजकल। सो आप लोगों ने जानकारी कही कि अगर आपके भ्रूण ज्यादा बने हैं या सारे बने उनको हम लोग फ्रीज कर सकते हैं। 20 साल तक फ्रीजिंग अलाउड है, तो आप 20 साल भी आके अपने भ्रूण के साथ उसी भ्रूण के साथ बच्चा पैदा कर सकते हैं। सो ये एक साइंस की बहुत बड़ी एडवांस टेक्नोलॉजी है फ्रीजिंग, जिसके बहुत कम शुक्राणु है, 1-2 शुक्राणु है, उनको भी फ्रीज करके रख सकते हैं। जिसके अंडे हैं, आजकल लड़कियां देर से शादी करना चाहती हैं तो उनको पता है 35 के बाद शादी करेंगी तो अंडे नहीं मिलेंगे, तो कम उम्र में अपने अंडे फ्रीज करा सकती हैं। गूगल जैसी कंपनियां, फेसबुक जैसी कंपनियों ने जो महिलाओं को कि तुम शादी मत करो, तुम्हारे अंडे फ्रीज कराने की खर्चा वो कंपनी बेयर कर रही है। सो एग फ्रीजिंग, ओवम फ्रीजिंग, ओवरी फ्रीजिंग, स्पर्म फ्रीजिंग, सारे टिश्यूज को फ्रीज करके बाद में इस्तेमाल किया जा सकता है। ये एक बहुत बड़ा साइंस का एडवांसमेंट है। एक सवाल मैंने और देखा कि मेरे अंदर 5-6 फाइब्रॉयड है, 45 की उम्र हूं मैं, और मेरे को क्या कराना चाहिए? तो अगर आपकी उम्र 45 से ऊपर हो गई है तो बेटर है कि आप यूट्रस को निकलवा दें। 5-6 फाइब्रॉयड है, कुछ बड़े बड़े हैं, आपको तकलीफ हो कर दे रहे हैं, तो दवाइयां कुछ होती हैं फाइब्रॉयड को पढ़ने से कम कर देती हैं पर ठीक नहीं कर सकती, तो अगर उम्र बढ़ गई है तो फिर उसको निकलवा देना ही बेटर है। एंड अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे डॉक्टर प्रीति जी से। डॉक्टर साहब, इस बीच एक बड़ा जो वर्ड समझ में आता है वो हमारी कई सारे यूजर्स का सवाल सामने आया है कि ओवेरियन कैंसर, जो जिनको पीरियड्स की प्रॉब्लम होती है या इस तरह की प्रॉब्लम होती है, वो बहुत डर के चलते हैं कि कहीं आगे जाकर कुछ ऐसी ओवेरियन कैंसर जैसी चीज तो नहीं आ जाएगी, तो ये इसके क्या रीजंस हो सकते हैं ओवेरियन कैंसर के बारे में प्लीज कुछ बताइए। ओवेरियन कैंसर सबसे पहले प्रीति आप बोलो, 3 या 4 कैंसर एक महिला को होते हैं, ब्रेस्ट कैंसर, ओवेरियन कैंसर, सर्वाइकल कैंसर और यूट्राइन कैंसर। सो सब महिलाओं को ये 4 कैंसर से बच के रहना चाहिए। प्रीति आप बताएंगी आपको कि इनसे कैसे बचना चाहिए और कैसे क्या क्या जांच करानी चाहिए जिससे महिला को बहुत जल्द पता लग जाए कि उसको कैंसर का अंश है कि नहीं। जी डॉक्टर प्रीति से जानना चाहेंगे इसके आगे का। जी तो सबसे कॉमन इंडिया में बच्चेदानी के मुंह का कैंसर जिसे सर्वाइकल कैंसर कहते हैं, तो सर्वाइकल कैंसर की ऑलरेडी इंडिया में वैक्सीन आ चुकी हैं जो कि रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, जो कि 18 से 45 साल तक जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप है कभी भी लगवा सकते हैं, उसको जल्दी से जल्दी लगवा लें तो ज़्यादा बेहतर है। आजकल पीडियाट्रिक एज ग्रुप में भी इसको चालू किया जा रहा है, जैसे क्योंकि एक बार औरत सेक्शुअली एक्टिव हुई तो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस नाम का वायरस है जो कि सर्वाइकल कैंसर करता है, तो अगर एक बार उससे उससे एक्सपोज हो गए तो लगाने का कम फायदा है, इसलिए सेक्सुअली एक्टिव होने से पहले अगर इसे लगाएंगे तो ज्यादा फायदा है। तो सर्वाइकल वैक्सीन्स ऑलरेडी मार्केट में आ चुकी हैं, ऑलरेडी लोग ले रहे हैं, तो इससे प्रिवेंट किया जा सकता है सर्वाइकल कैंसर। सर्वाइकल कैंसर प्रिवेंट किया जा सकता है बैरियर कॉन्डोम वगैरह के यूज से, अगर किसी भी तरह का इन्फेक्शन है और उसे इन्फेक्शन से बचना है, सर्विक्स में इन्फेक्शन ही आगे जाके सर्वाइकल कैंसर का एक कारण हो सकता है। वो इन्फेक्शन क्या है? ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का इन्फेक्शन है जो सर्वाइकल कैंसर कर सकता है। इसके लिए पैप्समियर नाम का एक टेस्ट भी होता है जो कि स्क्रीनिंग की तरह यूज किया जा सकता है। स्क्रीनिंग का मतलब है कि औरत खुद जाए ओपीडी में और उस टेस्ट को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हम पैप्समियर कराना चाहते हैं, ये साल में एक बार हर साल करा सकते हैं, और अगर ये नेगेटिव है तो डेफिनेटली सर्वाइकल कैंसर से आप बचे हुए हैं, आप ठीक हैं। तो ये रेगुलर चेकअप में इंक्लूड करना चाहिए, हर लेडी को सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग करानी चाहिए, वैक्सीन लगवानी चाहिए। ये तो हो गई सर्वाइकल कैंसर की बात। अब हम आते हैं ब्रेस्ट कैंसर, ओवेरियन कैंसर, इन सब के ऊपर। तो ये भी स्क्रीनिंग, ब्रेस्ट कैंसर के लिए भी स्क्रीनिंग कराएं, अल्ट्रासोनोग्राफी आती है या मैमोग्राफी करा सकते हैं। स्क्रीनिंग आपके नॉर्मल जो हेल्थ चेकअप के लिए जब आप जाते हैं 6 मंथ्स में जाएं या ईयरली जाएं, अपने डॉक्टर के पास जाके अपना चेकअप कराएं, रेगुलरली सेल्फ चेकअप भी करें। सेल्फ चेकअप में ब्रेस्ट लंप आप चेक कर सकते हैं, किसी भी तरीके के गांठ अगर आपको ब्रेस्ट में फील हो रही है, किसी भी तरीके का स्वेलिंग फील हो रही है, चेंज इन द कलर ऑफ द स्किन फील हो रहा है, कोई डिस्चार्ज है, तो इसको तुरंत अपने डॉक्टर को रिपोर्ट करें, ये कैंसर के शुरुआती लक्षण हो सकते हैं। फिर ओवेरियन कैंसर,
ओवेरियन कैंसर एक ऐसी चीज है कि ओवरी में बेसिकली हमें चेंजेस हो रहे हैं, वो अंदर ही हो रहे हैं, हमें पता नहीं चलेगा। लेकिन ये किसी भी तरह का कैंसर होता है तो उसमें हमें क्या सिम्टम्स हैं वो जानने की जरूरत है। ओवेरियन कैंसर एक ऐसी चीज है जिसमें सिम्टम्स बहुत ज्यादा हमें नहीं पता चलेगा। इस बारे में सर से भी पूछना चाहूंगी, सर ओवेरियन कैंसर के लिए कैसे पेशेंट मतलब ओवेरियन कैंसर जो है बहुत लेट पता लगता है, जब बहुत बढ़ जाता है तो शुरुआती में, क्योंकि ये पेनफुल नहीं होता, इसको धीरे धीरे बढ़ता रहता है। हमारा ये एक मानना है कि मेनोपॉज के बाद हर महिला को साल में एक बार स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए पैप स्मियर, ब्रेस्ट मैमोग्राफी या सेल्फ एग्जामिनेशन और ट्रांस वेजाइनल वेजाइनल अल्ट्रासाउंड ओवरी का साइज नापने के लिए या उसमें कोई रसौली बनने के लिए नहीं, वो कराना चाहिए। स्क्रीनिंग, ट्रांस वेजाइनल अल्ट्रासाउंड, कलर डॉपलर, ये आप करा सकते हैं। और जरा सा भी आपको कोई तकलीफ हो, नलों में दर्द हो या कुछ हो, तो इमीडिएटली आपको अल्ट्रासाउंड और कुछ ओवेरियन कैंसर के ब्लड में मार्कर्स होते हैं वो कराएं तो उससे पता लगे। एक अल्ट्रासाउंड कराना हर साल बहुत जरूरी है, पैप स्मियर कराना हर बहुत जरूरी है, ब्रेस्ट का एग्जामिनेशन कराना बहुत जरूरी है। हर महिला को 40 के बाद एक साल या कम से कम 2 साल में तो कराना जरूरी है। जी, तो कुल मिलाकर जो महिलाओं में जिस तरह के कैंसर्स के चांसेस ज़्यादा हैं, डॉक्टर नरेन एंड डॉक्टर प्रीति ने बहुत शॉर्ट में बहुत सारी चीज़ें उसको लेकर बता दी हैं। आई होप कि हमारे यूजर्स के लिए बहुत काम की चीज़ें होंगी इसमें। आज का हमारा गायनी से जुड़ा टॉपिक यूं भी बहुत बड़ा और डिस्क्रिप्टिव है, पर इसको लेकर सवालों और जवाबों के अपने सिलसिले को फिलहाल यहीं पर रोकना हमारी मजबूरी और जिम्मेदारी दोनों बन जाता है, क्योंकि टाइम के फाउंडेशन हमें अपनी लिमिटेशंस याद दिला ही देती है। पर जाने से पहले इस लिमिटेड टाइम में भी हमें और हमारे व्यूअर्स को इतनी ढेर सारी जानकारियां देने के लिए अपने एक्सपर्ट्स को बोलूंगी थैंक्स। थैंक यू सो मच डॉक्टर नरेन मल्होत्रा जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर प्रीति पांडे जी, आप अपना इतना कीमती समय निकाल कर हमारे सेशन के साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एंड हमारे व्यूअर्स, एक लास्ट, जी जी डॉक्टर, एक लास्ट मैसेज, मास्क पहने रखिए, कोविड से बचे रखिए, सैनिटाइज करिए, बार बार हाथ धोइए और फिजिकल डिस्टेंसिंग मनाइए। सोशल डिस्टेंसिंग तो कनेक्टेड रहिए, सोशली कनेक्टेड रहिए, एक दूसरे का हौसला बढ़ाइए, सेफ रहिए, कोविड अभी गया नहीं है और एकदम से ओपन मत हो जाइए। थर्ड वेव कोविड के आने का सितंबर अक्टूबर में बहुत डर है, तो प्लीज कोविड से बच के रहिए। एक ही चीज आपको बचा सकती है, सैनिटाइजेशन, हाथ धोना, मास्क पहनना, वैक्सीन लगवाना। प्लीज किसी भी वैक्सीन का इंतजार नहीं कर रही है, जो मिल रही है वो लगवाइए, सब वैक्सीन एक सी है, वैक्सीनेशन कराना बहुत बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब, एंड जैसा कि डॉक्टर नरेन मल्होत्रा जी ने कहा, एंड हमारे व्यूअर्स, आपको रखना होगा अपना पूरा ख्याल, क्योंकि आपकी बेटर हेल्थ एंड हेल्दी लाइफ हमारे विशेष में हमेशा शामिल रहेंगी, और उम्मीद करती हूँ कि हमारे विश को हमारे व्यूअर्स जरूर पूरा करेंगे। और इस विश को पूरा करने के लिए गो फॉर वैक्सीनेशन, टेक द प्रॉपर प्रिकॉशंस एंड टेक केयर ऑफ योर किड्स एंड योर फैमिली ऑल्सो। मिलेंगे फिर आपसे जल्द ऑन सेम प्लेटफॉर्म, आप यूं ही जुड़े रहिए हमारे इस प्लेटफॉर्म के साथ। Till then, take care and bye-bye.